के 6:20 हो रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग अभी से बना रही हूँ। और इसका कारण ये है कि मैं सुबह से काफ़ी बिजी थी और ये मेरी मुम्मू तैयार हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ, तो मेरे गेटअप से आप समझ जाइए। ठंड का मौसम है और मैंने हाईनेक डाल रखा है, तो मैं घर जा रही हूँ। मैंने बताया था ना कि मैं घर जा रही हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसा घर, तो ये भी तो घर ही है। बट मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मैं सासू माँ के पास जा रही हूँ, मम्मू अपने दादी के पास और नानी के पास जा रहे हैं। तो विंटर वेकेशन है तो हम लोग कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। लकली प्लान बना के हम लोग जाएं, तो नहीं तो पिछले साल ठंड में मैं शायद नहीं गई थी, मैं छुट्टी नहीं मिल पाता इनका। तो मैं सुबह से काफ़ी बिजी थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो हमारी सामान जो पैकिंग हो गई है, 7 बजे मैं यहाँ से निकलूँगी रात को, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगी और जो भी, तो वहाँ का डिटेल तो आप लोगों को मिलता रहेगा। हाँ हाँ बेटा, और मुम्मू मेरी काफ़ी एक्साइटेड है कि हम लोग जा रहे हैं। तो और मेरा मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये मैंने 2-3 दिन पहले ही कटवाया है, पर अभी मैं खोल के रखी हूँ इसलिए मुझे। तो हम लोगों ने जो भी ये सब तैयारी कर ली हूँ, अब जाके मुझे टाइम मिला है आप लोगों से थोड़ा सा बात करने का। तो अभी जब मैं स्टेशन पे जाऊँगी और टाइम मिला तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, अदरवाइज़ देखती हूँ जैसा भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाबू लग जाएगा बेटा, बाबू लग जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मेरी मम्मू मम्मू देखो देखो देखो, मम्मू दिखा, खड़ा जाओ, खड़ा 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 खड़ा, उठो मम्मू मम्मू, मेरी अच्छी लग रही है क्योंकि ठंड से बचाना है तो मम्मू ने ये पहन रखा है ना मम्मू। हाँ मिलती हूँ आप लोगों से। उलट गया बाबू के उसको बहुत ज्यादा ही खा दी हो, मुम्मू गिर जाएगा बेटा, पकड़ ले रहे थोड़ा जिद करेंगे तो गिरा ही देंगे। मैं कहाँ बैठी हूँ, स्टेशन पे अभी हूँ फिलहाल। कोई एक चेयर जैसा मुझे मिल गया है, यहाँ पे इस बॉक्स पे लिखा हुआ है कृपया ना बैठे, फिर भी हम लोग बैठ रहे हैं क्योंकि मैं तो खैरी आलसी। ये वाला बैग ले गया। तो अभी हमारी ट्रेन जो है स्टेशन में आके नहीं लगी हुई है, तो हम लोग अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं, अभी ट्रेन में चढ़ेंगे थोड़ी देर में।
क्लास में सब बोल के बस सुबह ही बात करते रहेंगे क्योंकि इनकी पूरी दुनिया ही स्कूल पे ही टिकी हुई है। तो जहाँ भी रहे चाहे इवन पापा के साथ भी बात करेंगे तो स्कूल का ही बात करेंगे, मेरे से भी बात करेंगे तो स्कूल का ही जैसे टीचर जैसा ही बात करेंगे। चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अरे हाँ वहाँ बहुत फिसलू था ना इसलिए गिर गई एक बार। मोमू मेरी सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि मोमू को घूमने जाना है। इसका भी चप्पल खोल दें। नहीं। नहीं। कहाँ जा रही हो मोमू? अभी हमारी ट्रेन नहीं खुली है। कहाँ जा रही हो बेटा? गाँव। गाँव गांव में कहा ये नहीं पता है, बस हम लोग सिखा दिए गांव जा रहे हैं। बस मम्मू गांव जा रही है। क्यों उतर गई? बैठो अभी ट्रेन चलेगा। हमारी तीन सीट है, एक बीच वाला और दो नीचे का, तो अभी हम लोग जस्ट ऐसे बैठे हैं, खाना खा लेंगे उसके बाद हम लोग आराम करेंगे। अपर मिलता है ना तो उससे सिर टकरा जाता है। जब धक्का मिलता है ना, हाँ ऊपर से गिरने में भी डर, उतरने में भी डर। इस तरफ से धक्का मारेगा तो ऐसे करके ढक से। सोचो तुम तो उधर किनारे में चिपकी रहती हो, तो उधर रहती मन हो गया है। क्या कर रही हो? मत करो मत करो। हाँ पापा मारेंगे। कैसे मारेगी पापा? बाबू पापा पापा बात ही लिया। पापा ने बात ही लिया सामने, अंतो बात ही लिया पाती। अभी रात के 9:15 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन 9:20 में खुलने वाली है ना कि 9:20 में। हाँ अभी टाइम नहीं, रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं अभी अपने स्टेशन पे उतरने वाली हूँ। अपने घर आ चुकी मेरी स्टेशन आने वाली है। मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे बंद करती हूँ, लिखती हूँ नेक्स्ट डे। इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ठंड के मारे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाय बाय, गुड नाइट।